नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं आज का जो वीडियो है वो लेके आया हुआ हूं, जिसमें यूपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में भारत और विश्व के भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को मैंने संकलित किया हुआ है। और ये आंसर मैंने वन लाइनर में किया हुआ है, सो दैट कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले मैं आपको बता दें कि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो यदि उसे अभी तक आपने नहीं देखा तो आप सार्थक क्लासेस पर विजिट करके अवश्य ही देख लें। तो गरस्ती चालीसा या तूफानी चालीसा या लंबी चालीसा है, तो आपको बता दें दोस्तों, दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य बहने वाली पछुआ हवाएं हैं। ये काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलती हैं, इसलिए इनको गरस्ती चालीसा, तूफानी चालीसा या लंबी चालीसा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि न्यूजीलैंड का वेलिंगटन एकमात्र राजधानी है जो इन पवनों के मार्ग में पड़ती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीन सागर में उठने वाले चक्रवात का नाम क्या है, तो दोस्तों इसको कहते हैं टाइफून। एंड टार्नेडो चक्रवात संबंधित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है टार्नेडो चक्रवात आता है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात कहलाता है, तो इसको कहते हैं विली विली, यानी जो विली विली चक्रवात है वो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। बैरोमीटर पैमाने में अचानक गिरावट इंगित करता है, तो दोस्तों ये इंगित करता है कि तूफान आने वाला है, तो तूफान को इंगित करेगा। फुटीजा स्केल का प्रयोग होता है, तो दोस्तों जो फुटीजा स्केल है इसका प्रयोग टार्नेडो चक्रवात की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। ओजोन परत स्थित है, तो दोस्तों ओजोन परत जो है वो समताप मंडल यानी जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं में स्थित है, और जिसकी जो ऊंचाई है वो पृथ्वी तल से 15 से 20 किलोमीटर है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, दोस्तों ये क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पर स्थित है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी की अगर बात करें तो यह स्थित है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में। देखिए, ये सारे प्रश्न आपके यूपीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों के आधार पर ही मैं आपको संकलित करके ये जो वन लाइनर है वो मैं दे रहा हूँ। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जो जनजाति है उसको कहते हैं बुशमैन। चूँकि जनजाति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको मैंने देख लीजिए यहाँ पर छेद दिया हो और जनजाति दी हुई, और ये सारे मैंने एक जगह जो है नोट करने का प्रयास किया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल की जो जनजाति है उसको बुशमैन कहते हैं। कांगो बेसिन की जो जनजाति है उसको पिग्मी कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की जनजाति निग्रेटो कहलाती है, जबकि मध्य एवं पूर्व एशिया एवं पश्चिम मध्य एशिया की जनजाति अल्पाइन कहलाती है। कांगो में पाई जाने वाली जनजाति पिग्मी है। केन्या में मसाई, नामीबिया में अगर हम बात करें तो बुशमैन, मोरक्को में बर्बर, कनाडा में इनुइट, श्रीलंका की जो जनजाति विद्दा है, मलेशिया में सीमांग और दक्षिण अफ्रीका में जुलू। इसके आगे हम बात करेंगे कि पिग्मी जनजाति का निवास स्थान है, तो दोस्तों जो पिग्मी जनजाति है इसका निवास स्थान अफ्रीका में, और हम अगर बात करें अफ्रीका में जैसा आप लोगों से हमने बात किया हो तो कि तीनों जो रेखाएं हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, वो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से तीनों ही होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका में जो विषुवत रेखा के पास पड़ने वाला कांगो बेसिन के आसपास के जो वन है वहाँ पर पिग्मी जनजाति का निवास स्थान है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा में दोस्तों जैसा आपको मालूम होगा कि यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है और यहाँ के वृक्ष जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये जो पिग्मी जनजाति वो पेड़ों पर ही अपना मकान बना के निवास करते हैं। इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो शिकार है। मानव जाति का जन्म स्थान कहलाने वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जैसा आप लोग जानते हैं। स्वर्णिम अर्धचंद्र क्या है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ है कि मध्य एवं दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक देश जो है, जिसमें कि आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आता है, इनको हम स्वर्णिम अर्धचंद्र के नाम से जानते हैं। सैक्रामेंटो सान जोआक्विन घाटी, ये कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में स्थित है, और सैक्रामेंटो सान जोआक्विन घाटी जो है अंगूर एवं नींबू वंश के फलों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। कत्था बनाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो लकड़ी है वो खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने में। मूंगफली जो प्रमुख फसल है वो गैम्बिया की, और इसका अगर मूल स्थान की बात करें मूंगफली की दोस्तों तो वो ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका है। विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन कौन सा है, तो यह शहतूत है। शहतूत के विषय में दोस्तों आपको बता दिया जाए कि जो चिरू जो कि तिब्बती एंटीलोफे के बालों से तैयार की जाती है। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी की यदि हम बात करें तो उसको कहते हैं पाटजोल।
पांडजोल कहलाती है, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी। मोका काफी प्रमुख रूप से उगाई जाती है यमन में। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का जो स्थानीय नाम है वह है तुंग्या, यानी यहाँ की जो स्थानांतरित कृषि है उसको तुंग्या नाम से जानते हैं। मूल निवास के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नंबर एक पर जो है मंदारिन है, जिसको जो चीन में बोली जाती है। दूसरे नंबर पर स्पेनिश है, तीसरे में अंग्रेजी और चौथे में हिंदी। संसार का आर्द्रतम स्थान की अगर हम बात करें, जैसे आप लोग जानते हैं मानिश्राम है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों के अतिरिक्त विश्व का सबसे ठंडा स्थान की अगर हम बात कर ले तो बर्खो यास्क है। आप याद रखिए कि इसमें ध्रुवीय क्षेत्र की बात नहीं हो रही, अगर ध्रुवीय क्षेत्र भी आ जाएगा क्वेश्चन में तो इसका ऑप्शन जो है चेंज हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े व घने वन स्थित हैं, तो दोस्तों ब्राजील में स्थित हैं। और प्रमुखता अगर हम बात करें विश्व के जो सबसे बड़े व घने वन पाए जाते हैं वो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, और इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। विश्व में यदि फैलाव की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ही पाए जाते हैं, और इनका फैलाव जो है सर्वाधिक होता है अन्य वनों के अपेक्षा में, और लगभग ये आप मान लीजिए कि अगर हम बात करें 45 से 50% तक तो ज़्यादा उचित होगा। फैलाव के आधार पर वनों का क्रम भी देखिए दे दिया गया है यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर टैगा वन आते हैं, तीसरे पर शीतोष्ण, चौथे पर उपोष्णकटिबंधीय वन और पाँचवें नंबर पर अन्य वन आते हैं। अब स्थानीय पवनों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको भी अलग अलग न लेके एक ही जगह हमने ले लिया है। स्विट्जरलैंड में जो स्थानीय पवन है उनको फान बोलते हैं, कैलिफोर्निया की स्थानीय पवनों में सेंटा एना कहलाती हैं, अर्जेंटीना की स्थानीय जो पवन है उनको जोंडा कहते हैं, जबकि अरब रेगिस्तान में जो बहने वाली स्थानीय पवन है वो सिमुक कहलाती हैं। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चिनूक स्थानीय पवनों को कहते हैं, भारत की स्थानीय पवनों को नार्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, वहीं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की जो स्थानीय पवन है वो ब्लिजार्ड कहलाती हैं। सहारा मरुस्थल में जो स्थानीय पवन है उनको सिराको बोलते हैं, ये भूमध्य सागर की ओर बहती हैं। इसके संदर्भ में यदि हम आपको बताएं दोस्तों, तो दोस्तों ये जो सहारा मरुस्थल में सिराको स्थानीय पवन है इनके विषय में क्या है कि चूंकि सहारा मरुस्थल में लाल बालू पाई जाती है, तो इसके द्वारा जो वर्षा है उसमें लाल रेत आ जाती है, जिसके कारण जो वर्षा का रंग है वो बिल्कुल लाल कलर का दिखने लगता है। इस प्रकार की वर्षा को रुधिर वर्षा कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रुधिर वर्षा जो है कहाँ पे होती है, तो सहारा मरुस्थल में, और किन पवनों के द्वारा, सिराको पवनों के द्वारा। तो ये स्थानीय पवन की बात हो गई दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। देखिए अगर प्रश्न के हिसाब से रखते हैं तो ये लगभग आपके 60 प्रश्नों से अधिक बनते हैं, लेकिन उसको मैंने सॉर्ट करने का प्रयास किया हुआ है। और आई होप कि आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एंड चूंकि UPSC LGDC का एग्ज़ाम दोस्तों एक एक दिन कम होता जा रहा है, 28 जुलाई को प्रस्तावित है, तो यदि अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है इस बार 1/3, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पहली बार माइनस मार्किंग आई हुई है LGDC एग्जाम में, तो इसके आधार पर जो है आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और यदि आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, वैसे तो मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर भी यदि आप हमारे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर जो है ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, एक बार मैं आपको फिर प्रोवाइड करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, 9506543831। ये UPSC LGDC इसमें आप जो है हमें केवल WhatsApp कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, फ़ोन मत कीजिएगा, WhatsApp पर ही आपको सारा जो भी आपकी क्वेरी होगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई UPSC के भी नोट्स लेना चाहते हैं, जो मैंने पिछले जब UPSC का एग्ज़ाम हो रहा था मैंने तैयार किया हुआ था, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी जो अगला वीडियो आएगा वो भी आपके भूगोल से ही संबंधित आएगा, और मुझे लगता है कि अगले वीडियो में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं UPSC के मोस्टली प्रश्नों को मैं कवर कर दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट, ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल पर आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो हम आपसे दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।